शिवनी स्थित सरोजनी पब्लिक स्कूल में रविवार को विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था, जहां स्कूल के नन्हे मुन्ने छात्रों ने इस प्रदर्शनी में हिस्सा लेते हुए विविध कलाकृति के अनेक स्टॉल लगाते थे, जिसमें बच्चों ने विज्ञान का उपयोग सही तरीके से करने पर विज्ञान के जरिए उपलब्धि हासिल की जा सकती है। इस अवसर पर छात्रों द्वारा लगाए गए स्टॉल का निरीक्षण करने पर छात्रों के माता पिता और माननीय नागरिकों के द्वारा प्रशंसा की गई, जबकि आज के युग में विज्ञान ही एकमात्र प्रगति का जरिया बन गया है। विज्ञान का सही इस्तेमाल करने पर परिवार के साथ गांव, शहर, राज्य और भारत देश प्रगति की ओर अग्रसर होने की कगार पर साबित हो सकता है। विज्ञान प्रदर्शनी के जरिए नन्हे छात्रों ने पर्यावरण बचाने का संदेश, जल का सही उपयोग करने, भाईचारा, बंधुभाव बनाए रखने का आह्वान इस अवसर पर किया। सरोजनी पब्लिक स्कूल में संस्था द्वारा छात्रों के लिए स्वतंत्र कंप्यूटर कक्ष तैयार किया गया है, जिससे छात्रों को देश विदेश के साथ अन्य जानकारी दी जाती है। छात्रों का मनोबल बढ़ाया जाता है, जिससे छात्रों को नई ऊर्जा हासिल करने में सहायता होती है। छात्रों के लिए स्कूल द्वारा अनेक प्रकार के नए उपक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। संस्था संचालक द्वारा छात्रों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले, इसलिए सदैव संस्था द्वारा प्रयास किया जा रहा है। इस अवसर पर स्कूल की मुख्य अध्यापिका ने इस विज्ञान प्रदर्शनी में हिस्सा लेने वाले छात्रों का प्रयास देख छात्रों का भविष्य कामयाबी की ओर अग्रसर होने का भरोसा जताया और स्कूल के अध्यापक और कर्मचारियों के साथ छात्रों के माता पिता बड़ी संख्या में इस अवसर पर उपस्थित थे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम शैरन क्रेग, द प्रिंसिपल फॉर सरोजनी पब्लिक स्कूल पारशिवनी। एंड आज हम लोगों ने रखा हुआ है, आज संडे का दिन है, 12th मार्च, और हमारे बच्चों ने यहाँ पे साइंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया हुआ है, जिसमें हम वाटर रिसोर्सेज दिखा रहे हैं और किस तरह से वाटर को हम लोगों को बचाना है, ये सारे ही छोटे छोटे बच्चे जो है इसको प्रेजेंट कर रहे हैं। उसके साथ ही हम लोगों ने एफॉरेस्टेशन एंड डिफॉरेस्टेशन भी प्रोजेक्ट किया हुआ है, जिसमें बच्चे बता रहे हैं कि किस तरह से हमें पेड़ लगाने हैं और अगर पेड़ कटते हैं तो उसके क्या क्या हम लोगों को नुकसान होने वाला है। और भी हम लोगों ने बनाया है, जिसमें हम लोग अलग अलग टाइप के पॉल्यूशंस के बारे में बता रहे हैं, लैंड पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से पॉल्यूशन हमारी लाइफ को और हमारी इस अर्थ को खराब कर रहे हैं। आज इस एग्जीबिशन के द्वारा हम ये देखते हैं कि बच्चे इन प्रोजेक्ट्स को किस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं। आज ये बच्चों के सामने सिर्फ टीचर्स नहीं हैं, अलग अलग पेरेंट्स आए हैं जो कि उनके लिए बिल्कुल न्यू है, लेकिन बच्चों का कॉन्फिडेंस और बच्चों का इंग्लिश का जो लैंग्वेज है वो बहुत हम लोग ने यहाँ पे डेवलप करने की कोशिश की है। हर एक बच्चा फुल कॉन्फिडेंस के साथ में अपने प्रोजेक्ट्स को एक्सप्लेन कर रहा है और यही हमारी कामयाबी है। और बच्चे जब आज सीखेंगे तो ये कल के बड़े अडल्ट्स बनेंगे और इस प्रोजेक्ट्स को ध्यान में रखकर वो अपने आने वाली जेनरेशंस को भी इसके फायदे बताएंगे। पार शिवनी से BCN न्यूज के लिए रुपेश खंडारे की रिपोर्ट।